किया गया। इसका मुख्य रूप से दो तीन कारण है। सबसे पहले अगर जाइएगा तो बेरोजगारी, हम लोग पीछे में ये आपका जूट मिल है, लुमटेक्स जूट मिल, यहाँ पर मजदूरों का हालत बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक बोले तो दयनीय है। कुछ मजदूर भाई मेरे से मिले थे पर्सनली कुछ दिन पहले, बोले थे भैया इस मुद्दे पर कुछ बताइए, हम लोग को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, कोई तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है। यहाँ का जो चेयरमैन है उदासीन रवैया है, शायद वो सब जानकर भी इसके पीछे कुछ बोलना नहीं चाहते। नहीं, पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, अभी भी तो एक बार सुनने को मिला, उसके बाद तो कोई सुनने को नहीं मिला, एक घटना सुनने को मिला है वो तो हाईलाइटेड बहुत ज्यादा है। हाँ, और तो नहीं, उसके बाद कोई घटना नहीं मिला। घटना हुई आपके इलाके में? तो अब हमको जानकारी नहीं है। मतलब कैसा लगता, मतलब डर लगता है यहाँ पे, ये टीटागढ़ बदल रहा है? नहीं, टीटागढ़ में पहले से अब थोड़ा सिक्योरिटी टाइट हो गया है, अब कोई डर का बात नहीं। लगे घूमता है पब्लिक, किसका टाइट है सिक्योरिटी, पब्लिक का या नेता का? ना, सबका सिक्योरिटी अभी टाइट है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, सभी श्रोतागण को नमस्कार। और जैसा कि विगत दो महीने तीन महीने से आप लोग देख रहे हैं, टीटागढ़ में बलात्कार की घटना काफ़ी तेजी से वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण एक ही है, यहाँ का जो नेतागण है, लोकल भैया लोग हैं, उनका उनके ऊपर हाथ है, जो बलात्कारी है उनके ऊपर हाथ है। तो अगर इस तरह की घटना को अगर रोकथाम अगर करना है तो सबसे पहले हम लोग को बेसिक में आना पड़ेगा, जो नेता है और जो हम लोग का पुलिस प्रशासन है, उन लोग को अगर ठीक से अगर बताया जाए, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम है, पुलिस प्रशासन को सभी मालूम है। कोई यहाँ के लोकल काउंसिलर का भाई निकल जा रहा है तो कोई उनका रिलेटिव निकल जा रहा है, ये लगातार चल रहा है। आम पब्लिक त्राही त्राही मचा हुआ है। जिस तरह से वोट में टिकट बंटवारा हुआ था, उस समय ही लोग समझ चुके थे जो घटना भी हो रहा है, ये कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। लोग उस समय समझ गए थे आने वाले समय क्या होने वाला है टीटागढ़ का। एक्सीडेंटल नेता लोग की तरफ पैसा रहा क्या? एक्सीडेंटल नेता लोग तो है, और जो भी पीछे में बड़े भैया छोटे भैया कोई नेता का किसी से बात करेंगे तो हम फलानवा ग्रुप का है, हम फलानवा ग्रुप का है, ये सब चलता रह रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका देखिए, अगर इसका मुख्य रूप से दो तीन कारण है। सबसे पहले अगर जाइएगा तो बेरोजगारी, हम लोग पीछे में ये आपका जूट मिल है, लुमटेक्स जूट मिल, यहाँ पर मजदूरों का हालत बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक बोले तो दयनीय है। कुछ मजदूर भाई मेरे से मिले थे पर्सनली कुछ दिन पहले, बोले थे भैया इस मुद्दे पर कुछ बताइए, हम लोग को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, कोई तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है। यहाँ का जो चेयरमैन है उदासीन रवैया है, शायद वो सब जानकर भी इसके पीछे कुछ बोलना नहीं चाह रहे, ऐसा मेरे पास नजरिया। दूसरी बात यह है कि टीटागढ़ में ढुकिएगा, हर गली हर मोहल्ले में शराब जुआ सट्टा बेदौड़े से चल रहा है। कहीं ना कहीं ये सब लोकल प्रशासन सब जान रही है, प्रशासन इस पर कोई मतलब रवैया तैयार नहीं करती। सब प्रशासन के नाक के नीचे हो रही है सर, ये सारा चीज़ प्रशासन के नाक के नीचे हो रही है। प्रशासन कब करेगा कोई भी कार्रवाई? जब तक ऊपर का नेता उसको छूट दिया जाएगा, अगर कोई नेता के खिलाफ कोई बोला जाएगा तो ऊपर का जो और भी बड़ा नेता है वो आकर धमक जाएंगे, ये मेरे आदमी है इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़कर काम करिए। ये सारा चीज़ धड़ल्ले से चल रहा है टीटागढ़ में। निजात कैसे मिलेगा? और एज ए ऑपोजिशन आप लोग विपक्ष के नेता हैं, तो किस तरह से देखते हैं इन सब चीज़ों, कैसे आपका क्या ब्लू प्रिंट है पब्लिक के लिए? हम लोग बीजेपी शुरू से ही टीटागढ़ के नागरिक के साथ थी, आगे भी रहेंगे। टीटागढ़ के जितने भी पब्लिक का जो इशू है, मैटर है, बलात्कार से लेकर, हम लोगों ने बलात्कार का भी मुद्दा उठाया था, आप लोगों ने देखा था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर में आकर, नेता लोग का प्रेशर में आकर जो विक्टिम थी वो लोग पीछे हट गए। और भी दो चार केस इस तरह का नॉलेज में आया था, लेकिन प्रेशराइज करके उसको दबा दिया गया है। उनके ऊपर ज्ञापन दिया गया है, बोला भी गया है, लेकिन कोई ज़्यादा सुनवाई खास नहीं हो रही है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में और भी जोरदार तरीके से हम लोग उठाएंगे। दो चार इशू है, कुछ दिन पहले देखिएगा डेंगू, हर बीएन बॉस है, यहाँ पर आपका बलराम हॉस्पिटल है पूरा भर्ती थे, हमारा भाई दोनों तरफ गए थे एक बार विजिट करने, 12 नंबर 11 नंबर वार्ड से लगभग 20 से 25 लोग बेड पे थे, बीएन बॉस में गए थे वहाँ पर बेड पे थे। हम लोगों ने प्रशासन को जनाया है, टीटागढ़ म्यूनसिपल्टी को भी मौखिक रूप से भी बोला हूँ, हम लोगों ने मिलकर बोले हैं, अगर आने वाले समय में अगर इस तरह का मुद्दे पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग इस मुद्दे को और जोरदार तरीके से उठाएंगे। टीटागढ़ का विकास सिर्फ कागज पे है, विकास हुआ है तो आप चेक कर लीजिएगा, जो जो इलेक्शन में उठे थे भैया लोग उनका एक्टिविटीज इलेक्शन के पहले रहे, अभी
चार चार पांच पांच बॉडी गार्ड लेकर घूम रहे हैं, पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा था कि हम लोग इतने वर्षों से टीटागढ़ में कभी नहीं देखा था कि दुकान में जाकर दुकान भांगचूर करके पैसा मांगा जा रहा है, कट मनी मांगा जा रहा है। तोला भाजी ओपनली कुछ दिन पहले ये टीटागढ़ थाना के नॉलेज में भी है, ये चीज़ ओपनली मांगा जा रहा है। सभी बिजनेसमैन पूरे डरे हुए हैं। पूरा किन किन वार्डों में ये घटना ज़्यादा हो रही है? ये आपका 19 नंबर एक वार्ड है और 5 नंबर वार्ड है जो कि पूरा व्यवसायी है। 5 नंबर वार्ड, 6 नंबर वार्ड पूरा व्यवसायी एरिया है। व्यवसायियों की क्या स्थिति है अभी? व्यवसायियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, डरे हुए हैं। कब कहां से किस कौन भैया का मैसेज आ जाएगा, कोई आदमी आ जाएगा कि भैया इतना रुपया हमको चाहिए, नहीं तो फिर अपना समझ लीजिएगा। आप बोले व्यवसायी डरे हुए हैं, नेता लोग सिक्योरिटी गार्ड लेके घूम रहे हैं। हाँ जी, ये वो हम नहीं बोल रहे, लोकल पब्लिक किसे पूछेगा वो लोग बता देंगे, और आप लोग खुद भी एनालाइज अगर करेंगे तो स्थिति समझ में आ जाएगी आप लोगों को। 2 मई के पहले का, सॉरी 2022 काउंसिल इलेक्शन के पहले का और बाद का अगर एनालाइज करेंगे तो आपको तथ्य सामने आ जाएंगे। ऑनलाइन लोटो के लिए हम लोगों ने एक अलग से रणनीति बनाया है, इसके लिए अलग से हम लोग टीटागढ़ थाने में म्यूनसिपल्टी में विज्ञापन देंगे। अगर कुछ भी इसके ऊपर अगर कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है, आगामी काल टीटागढ़ भाजपा जोर शोर से मुद्दे को उठाएगी, और लोकल जो हमारे बच्चे हैं स्कूल के माताएं बहने हैं उस रास्ता से गुजरते हुए उन लोगों को बहुत परेशानी होती है, वही चीज़ हम लोग को बंद कराने के लिए आगे वृत्त तौर पर आंदोलन करेंगे हम लोग। आई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूंगी, कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें। आई न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूंगी, कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें। आई न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूंगी, कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।